नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्डा पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर, तो वहीं दूसरी तरफ लाल सिंह चड्डा में एक बार फिर से आमिर खान ने किया है हिंदू धर्म का अपमान और चलाया है हिंदू विरोधी एजेंडा। आपको बता दें कि मोंटी पनेसर जो कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने लाल सिंह चड्डा की आलोचना की है और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस फिल्म में सिख समाज और भारतीय सेना का किया गया है अपमान, और इसी को लेकर भड़के हैं लाल सिंह चड्डा। फिल्म को लेकर मोंटी पनेसर जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर इस फिल्म को लेकर बायकॉट करने की लोगों से मांग की है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि किस तरीके से ये जो फिल्म है ये रीमेक है फॉरेस्ट गम का। ये फॉरेस्ट गम जो है वो सही बैठती है अमेरिका के लिए कि किस तरीके से अमेरिका जब वियतनाम से युद्ध लड़ रहा था तो उस समय पर लो आईक्यू वाले लोगों को सेना में भरने की जरूरत थी और वो इसी तरीके की लोगों की तलाश कर रहा था, तो ये उनके लिए फिल्म जो है वो फिट बैठती है और इसीलिए इस फिल्म को ऑस्कर से भी नवाजा गया था। पर बात अगर हम करें इंडियन आर्मी की, जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से आमिर खान इस फिल्म में एक मूर्ख की भूमिका निभा रहे हैं, तो जिस तरीके से मूर्ख की भूमिका निभाए जा रहे हैं और वो एक सिख का रोल भी अदा कर रहे हैं इस फिल्म में। के क्रिकेटर हैं मोंटी पनेसर, इसीलिए यही बड़ा कारण है कि आज उनका जो गुस्सा है वो इस फिल्म को लेकर फूटा है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से मांग की है कि इस फिल्म का किया जाए बहिष्कार और लोग करें इस फिल्म का बायकॉट कि किस तरीके से आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्डा में सिख समाज और भारतीय सेना का किया गया है अपमान। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जहां रिलीज होने के बाद भी ज्यादा कुछ अच्छी कमाई नहीं कर पाई है लाल सिंह चड्डा, जो जनता है वो लगातार इस फिल्म का बायकॉट कर रही है। बायकॉट बॉलीवुड से लेकर बायकॉट लाल सिंह चड्डा और फ्लॉप, ये तीन चार ऐसे ट्रेंड हैं जो आज ट्विटर पर छाए हुए हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि किस तरीके से आमिर खान लगातार कर रहे थे इस फिल्म को देखने की अपील और कह रहे थे कि पीके और ये जो फिल्म है इनमें दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। लाल सिंह चड्डा और पीके के जो कैरेक्टर हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं, लोगों को मेरी फिल्म देखनी चाहिए। तो वहीं फिर से एक बार सामने आया है कि किस तरीके से आमिर खान ने इस फिल्म में फिर एक बार चलाया है हिंदू विरोधी एजेंडा। कि आपको बता दें कि इस फिल्म की एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है कि किस तरीके से आमिर खान से एक जब मुस्लिम पूछता है कि लाल मुझे तुम कभी भी पूजा पाठ करते हुए नजर नहीं आते हो, तो इसी पर आमिर खान जो कि लाल सिंह चड्डा का रोल निभा रहे हैं वो ये कहते हैं कि पूजा पाठ करने से मलेरिया फैलता है, दंगे होते हैं। इस तरीके के डायलॉगों का जिक्र किया गया है आमिर खान के द्वारा इस फिल्म में, जिसमें आमिर खान का कहना था कि जनता को उनकी इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, इस फिल्म का बायकॉट नहीं करना चाहिए और उस फिल्म का संदेश काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी फिल्म को देखने के लिए आमिर खान ने कई बार लोगों से मांगी माफी, पर माफी मांगने के बावजूद भी आमिर खान फिर एक बार हिंदू विरोधी एजेंडा चलाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म लाल सिंह चड्डा में, जिसका आज जनता लगातार बायकॉट कर रही है। कि किस तरीके से आमिर खान जो है एक तरफ माफी मांगते हैं कि अगर मैंने किसी की भावनाओं को आहत किया है तो मुझे काफी ज्यादा दुख है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से आमिर खान जो है वो फिर एक बार हिंदू विरोधी एजेंडा चलाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये जो फिल्म है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि हिंदू विरोधी है, ये फिल्म सिख समाज का अपमान किया है, भारतीय सेना का अपमान किया है लाल सिंह चड्डा में, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी चीज सामने आई है कि किस तरीके से इस फिल्म में एक आतंकी को बचाने का काम किया गया है लाल सिंह चड्डा द्वारा। और इस सीन को भी लगातार अब आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है कि किस तरीके से इन तमाम चीजों को दर्शाया गया है इस फिल्म, वो भी लाल सिंह चड्डा में। आपको बता दें कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्डा हॉलीवुड स्टार टॉम हैंस की फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है। फॉरेस्ट गम में वियतनाम में अपनी ही यूनिट के प्रमुख लेफ्टिनेंट डैन को वो अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित बाहर निकाला था। वहीं धर्मनिरपेक्ष लाल सिंह चड्डा ने मोहम्मद नाम के एक पाकिस्तानी आतंकवादी को बचाया है। ये कैसे संभव है कि एक भारतीय सेना का जवान सेना में अपने ही भाइयों और दुश्मनों के बीच में अंतर ना कर सका और इसीलिए आज इस फिल्म को लेकर आज ज्यादातर जो आलोचनाएं हैं रिलीज होने के बाद भी झेलनी पड़ रही हैं। जिस फिल्म को लेकर तमाम यानी कि PR एजेंसियां भी लगाई गई थी, ध्रुव राठी से लेकर तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखनी चाहिए। जहां ध्रुव राठी को भी जनता कर रही है सोशल मीडिया पर ट्रोल कि किस तरीके से PR एजेंसियां लगाई गई हैं आमिर खान और तमाम उनकी टीम के द्वारा इस फिल्म को देखने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए। पर जहां पर लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है लाल सिंह चड्डा को लेकर, तो वहीं अब ज्यादा गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। लाल सिंह चड्डा को देखकर लोगों का कि जिस तरीके के सीन इस फिल्म में दर्शाए गए हैं, हिंदू विरोधी चीजें इस फिल्म में करते हुए नजर आए हैं आमिर खान। तो आपको बता दें कि ये जब से इस फिल्म का पोस्टर आया था सामने तब से ही इस फिल्म की लगातार हो रही थी किरकिरी और इसीलिए बड़ा कारण है कि जिस तरीके से इस फिल्म का लगातार बाइकॉट शुरू हो गया। इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि जहां पूर्व इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने इस फिल्म को लेकर बायकॉट की मांग की है जनता से। उन्होंने कहा एक के बाद एक उन्होंने 2-3 ट्वीट किए इस फिल्म की। उन्होंने किस तरीके से बताया कि कैसे आमिर खान जो इस फिल्म में जहां एक तरफ भारतीय सेना और सिख समाज का अपमान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस फिल्म की तारीफ की। और जब आकाश चोपड़ा ने इसे बेहतरीन फिल्म बताया तब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कई यूजर्स ने आकाश चोपड़ा के YouTube चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दिया। यानी कि आज जो जनता में गुस्सा है इस फिल्म को लेकर और आमिर खान को लेकर के किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो PR चलाने का काम कर रहे हैं, फिल्म को हिट कराने की कोशिश कर रहे हैं। पर दरअसल अब यह आमिर खान के लिए भी बड़ा झटका है और उनके आंसुओं का भी कुछ खासा असर नहीं पड़ता नजर आ रहा है उस जनता के ऊपर जिस जनता ने ठान लिया है पूरे बॉलीवुड को बाइकॉट करने की। और वहीं इस तरीके की मूवी और आमिर खान यानी कि जो लोग देश के विरोध में खड़े होते हैं और हमेशा कभी भी देश के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देते, आज उन तमाम लोगों का जनता जमकर बहिष्कार कर रही है। जिस तरीके से पहले ही फिल्म क्रिटिक जो है वो दे चुके हैं लाल सिंह चड्डा को 2 से 1 स्टार, तो वहीं दूसरी तरफ जनता इतनी भी फिल्म नहीं देखना चाहती है और क्लिप का जमकर विरोध हो रहा है कि किस तरीके से हिंदू विरोधी एजेंडा अपनाया गया है आमिर खान के द्वारा इस फिल्म में, कैसे वो हिंदू समाज को अपमान करने का काम हमेशा, अपमानित करने का काम हमेशा ही करते हैं, चाहे फिर वो पीके की बात हो। क्योंकि आपको बता दें कि इस फिल्म का अगर विरोध शुरू हुआ तो वो पीके से लेकर और टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने गए थे इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान, तब से ही इस फिल्म का बायकॉट करना जनता ने शुरू कर दिया था। यानी कि कुछ पोस्टर्स ही सामने आए थे और तब से ही जनता ने ठान लिया था कि ये फिल्म जैसे ही आएगी और उसको हम बाइकॉट करेंगे। और यही बड़ा कारण है कि जनता का जो आज गुस्सा है वो जमकर इस फिल्म को लेकर दिखाई दे रहा है। और यही बड़ा कारण है कि जहां एक तरफ आमिर खान ने माफी मांगी, उन्होंने टेंशन की बात जिक्र की, उन्होंने कहा मैं 48 घंटों से सोया नहीं हूं, तमाम उन चीजों का कोई भी जिक्र आज जनता के ऊपर नहीं पड़ा है, बल्कि जो लोग इस फिल्म का कर रहे हैं समर्थन उन लोगों को भी जनता लगातार बाइकॉट कर रही है और उनके ऊपर भी निशाना साधा जा रहा है कि किस तरीके से ये जो तमाम लोग हैं इस फिल्म के बारे में पक्ष ले रहे हैं और इस फिल्म को आके समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फिल्म को लोगों को देखना चाहिए। वहीं इन तमाम चीजों का कोई भी असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है देश की जनता के ऊपर, क्योंकि देश की जनता लगातार कर रही है इन फिल्मों का बाइकॉट। जिस तरीके से बॉलीवुड का जो असली चेहरा आज आ चुका है देश की जनता के सामने कि कैसे आमिर खान अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए सिर्फ जनता से माफी मांगने का कर रहे हैं ड्रामा। ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं, वो जनता कह रही है जो आज सोशल मीडिया पर लगातार ये जो विरोध कर रही है इस फिल्म का। और वहीं आमिर खान के पुराने से पुराने बयान, ट्वीट और तमाम जो उन्होंने हिंदू धर्म को आस्था यानी कि ठेस पहुंचाने के काम किए हैं, ट्वीट किए हैं या फिर उनकी बयानबाजी रही है अपने शो यानी कि सत्यमेव जयंते के दौरान, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी आज तमाम ऐसी क्लिप हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बात अगर आमिर खान की को-स्टार करीना कपूर खान की जाए तो इसीलिए उनका भी बाइकॉट किया जा रहा है कि किस तरीके से करीना कपूर खान भी हिंदू विरोधी कई बार बयान देती हुई नजर आती हैं। जब कठुआ में एक छोटी बच्ची का गैंगरेप होता है तो उसको लेकर वो खड़ी हो जाती है कि मैं शर्मिंदा हूं हिंदू होने पर इसी तरीके से देश में तमाम और घटनाएं होती हैं उस समय पर नजर नहीं आती हैं करीना कपूर खान। किसी भी ऐसे मुद्दे को लेकर जब देश की जनता चाहती है कि बॉलीवुड वाले भी उनके साथ खड़े हों तब बॉलीवुड वाले कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं और यही बड़ा कारण है कि आज जनता जमकर इन लोगों का बाइकॉट कर रही है और कह रही है है कि ऐसे स्टार्स की फिल्म अब हमें नहीं देखनी है। जिस तरीके से ये रंग बदलते हैं साल में हर बार और जैसे ही इनकी फिल्म आती है ये जनता के साथ खड़ा होने का करते हैं ढोंग, पर आज जनता हर एक छोटी चीज पर रखती है नजर। और यही बात है कि आमिर खान के पुराने से पुराने बयान भी आज हो रहे हैं वायरल। इसी कारण से हो रही है आज लाल सिंह चड्डा बाइकॉट। रिलीज होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की बात भी करें तो सिर्फ 11 करोड़ रुपए की महज कमाई की है पहले दिन आमिर खान की फिल्म, जिसको लेकर एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा फैलाई जा रही थी पीआर मीडिया की तरफ से। पर पीआर मीडिया हो या फिर आमिर खान के आंसू, आज कुछ भी चीजें काम नहीं आई है, क्योंकि अब जो फ्लॉप जो पिक्चर है लाल सिंह चड्डा वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और जनता आज भी अपील कर रही है कि इस फिल्म को कोई ना देखे। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।